शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डैड, डैड, मेरी तो आंख फड़फड़ा रही है। कौन सी नई बात? तू सारी जिंदगी से कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाता रहता है। अरे कहीं वो पठान और सरदार हमारा माल लेके गायब हो गए तो? रामपुर मनुष्य बात करेगा तो छापड़ मारूंगा मुंह फिर जाके तेरा, कुत्ता गधा नालायक गुलशन करोगे की औलाद। देखो हमारा माल आ गया, वो लोग कितने ईमानदार है, अब खाना खा उन पे शक कर रहे थे। पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहे। मुबारक हो, मुबारक हो, हमारा माल हिफाजत से आ गया, मुबारक हो। ओए मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा लाले। क्यों? उतारो अपना माल, भरो अपना गोदाम और दो आप उनका दाम। अभी लो अपना बजरंगी, नहीं छेरंगी, अभी क्या नाम है तेरा? डैड जिमी। हाँ भाई, बहुत सारे रंग है, इनको 1000 रुपए दो। श्योर डैड। अरे चमचे लोग, सारा माल उतारो और चेक करो। क्या कहा? चेक करेगा? पठान का ईमान पर शक करेगा? नहीं नहीं नहीं, शक नहीं करता। असल में क्या है, जमाना बहुत खराब है आजकल, जो है बाप अपने बेटे भरोसा नहीं करता, बेटा अपने बाप पे भरोसा नहीं करता, इसलिए चेक करके दो और चेक करके लो। साहब ये तो असली चॉकलेट है, हमारा तो सारा माल गायब है। ए पठान, हरिद्वारी के साथ चालाकी करता है, बता मेरा माल किधर है। अरे कौन सी माल की बात करता है लाला, जो तुम दिया वो हम लाया। सीधे बता मेरा माल किधर है। कितनी देर कर दी आने में, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ए, ये सूट बूट, ये गाड़ी, ये ठाट बाट, ए, कोई स्मगलिंग वगलिंग का धंधा शुरू कर दिया है? ये चक्कर क्या है? ए टेक्निकलर, अगर मैं तेरे को अपना चक्कर समझाने लगा ना तो तुझे चक्कर आ जाएगा। ए लिसन, चलो अंकल से मिलते हैं। आंटी सब चोरी का है। देखिए बात तो, इनसे मिलिए, ये है राजा। ओहो तो ये वही साहब हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। बेटी हमें तुम्हारी पसंद पसंद आई। राजा बेटे, आज हम तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने वाले हैं। मेरी जिंदगी का फैसला तो आपने 20 साल पहले ही कर दिया था जज साहब। क्या मतलब? मतलब वक्त आने पर समझाऊंगा। रानी आओ, रानी आओ, देखो राजा को, कोई पहचान सकेगा कि वही राजा है? नहीं कोई भी नहीं कह सकता। तुम्हें एक और खुशखबरी सुना, आज मेरी मंगनी है इनके साथ। ये क्या रानी, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हें खुशी नहीं हुई मंगनी के बारे में सुनके? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको मेरे बारे में एक क्या है? मैं हूं ना, झगड़ा रे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि श्री महेंद्र प्रताप की बेटी अंजलि की मंगनी मेरे इस उछलते हुए बेटे जिमी के साथ होने जा रही है। साहिबान, अंजलि की सगाई जिमी के साथ नहीं, राजा के साथ होने जा रही है। महेंद्र प्रताप जी भूल रहे हैं, राजा के साथ नहीं, जिमी के साथ हो रही है। Yes! No! एक मिनट मिस्टर महेंद्र प्रताप, मैं यहां आपकी बेटी से मंगनी करने आया था, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि यहां आपने एक बाजार सजा रखा है और इस बाजार में आपकी बेटी के कई खरीदार हैं। मैं अपने दिल का सौदा आपके इस बाजार में नहीं करूंगा। आपकी मंगनी, आपकी बेटी और आपका ये बाजार, आप शरीफों को मुबारक हो। क्या बात है राजा? भैया प्लान के मुताबिक मैंने अंजलि का दिल तो तोड़ दिया है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने रानी का भी दिल तोड़ दिया। सच पूछो तो भैया, मैं रानी से बहुत प्यार करता हूं। सुन राजा, जिस राह पे हम चल रहे हैं उस रास्ते पे चलने वालों को प्यार बहुत ही कमजोर बना देता है, गुमराह कर देता है। इसलिए प्यार के शब्द को अपने दिल से हमेशा हमेशा निकाल फेंको। सिर्फ इतना याद रखो, इंतकाम
दुश्मनों से इंतकाम। तुम उस साला देवा के बच्चे से इतना घबराता क्यों है? उससे घबरा के अपना सारा गोल्ड बॉर्डर के पार ऐसा भेज रहा है जैसे उसको गोल्ड का बिस्किट नहीं चॉकलेट समझ के खा जाएगा। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। बोल तो मैं तेरे पैर को हाथ लगाता हूँ। तेरी साला हरामखोर, एक तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे गोडाउन जल गए, मेरा सब कुछ छीन के ले गया। अभी थोड़ा सा गोल्ड बचा है, अगर ये भी ले जाएगा तो तू फकीर की औलाद और मैं भिखारी का बाप कहलाऊंगा। भिखारी? नो नो डैड, एक आइडिया है। मैंने जेम्स बॉन्ड का किताब में पढ़ा था, जेम्स बॉन्ड का आइडिया है। देखो डैड, वो देवा तुम्हारे सब ट्रक और ट्रक ड्राइवर्स को पहचानता है। तुम एक काम करो, कोई दूसरा ट्रक लो, कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर लो और अपना सारा गोल्ड को चॉकलेट के अंदर भरो और सप्लाई कर दो। ना पुलिस पहचानेगी और ना देवा। समझे बड्डे? नहीं, मार नहीं रहा हूं, मैं तेरे दिमाग की नजर होता रहा हूँ। वाह 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 वाह, आज जिंदगी में पहली बार तूने अपनी सड़ी हुई खोपड़ी इस्तेमाल किया है। आखिर बेटा किसका है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं, मेरे खुद नहीं मालूम। अबे तुझे नहीं मालूम तो क्या तेरे बाप को मालूम है? तूने तो बुलाया था उनको, कहाँ है तेरे ट्रक ड्राइवर? डैड, वो तो आ ही जाएंगे, पहले जरा चॉकलेट खाकर मुंह तो मीठा कीजिए। कम ऑन बेबी। अबे वो पान के थूक में डूबे अफ्रीका के तोते, जरा सा काम क्या कर लिया कि बड़ाई माने लग गया है? इतनी मार मारूंगा कि चाय में डूबे हुए बिस्कुट की तरह पिलपिला होकर रह जाएगा तू। क्या 150 साल के बुड्ढे कौए की तरह काय काय कर रहे हो? पहले आइडिया तो समझो। तो बोलना क्या है? ये क्या है? नहीं मालूम। ये है असली चॉकलेट और ये है चॉकलेट के अंदर असली सोने का बिस्किट। अस्सलाम वालेकुम। अबे सीए की सीधे चबाना। ओ बाबूजी सत श्री अकाल। क्या भाई? मेरा नाम यावर खान है। ओ बाबूजी, ओ मुझे कहते हैं जोगिंदर सिंह। अरे कहते होंगे, अंदर का घुसे चले आ रहे हो। ओ बाबूजी कमाल है, ओ खुद ही फोन करके बुलाते हो फिर कहते हो कि अंदर कैसे घुसे आ रहे हो। ओ शुक्र करो बाबू कि हम अकेले आ गए, वरना हम अपना ट्रक साथ लेकर आते हैं। अच्छा ट्रक वाले? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे इस बार तो माफ कर दिया, लेकिन अगली बार नहीं पहचाना ना तो तेरी शक्ल ऐसे बना दूंगा कि दुनिया में कोई पहचाने का नहीं। ओए खान माफ कर दे यार, एक बच्चा है यदि। बाबूजी मैं ओदी गल कर रहा, मैं अंकल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हुन दसो सामान कित्थे है और जाना कित्थे है और किराया किना है। किराए की परवाह मत करो, जितना दूसरों से लेते उससे दुगना दूंगा मैं। मगर सामान सूरज ढलने से पहले हमारे हनुमान टेकड़ी वाले गोडाउन में पहुंचाना। ओए लंगूर प्राजी, सामान की फिक्र मत करो, सही वक्त पे सामान सही जगह पहुंचाने की ओए गारंटी मेरी है। मोहन देवा भाई, ये मेरा भाई मोहन है जिसे वर्दी में देखने के लिए मैं दिन रात ख्वाब देखा करता था। जी चाहता है इसे मैं अभी गले लगा लूं। ओए ये मत भूलो कि इस वक्त वह इंस्पेक्टर की वर्दी में है, और ये भी याद रखो कि इस ट्रक में चोरी का सोना भरा पड़ा है। ओ सत श्री अकाल बाऊजी। क्या माल है इस ट्रक में? ओ बाऊजी जो रोज होता है। क्या रोज ले जाता है? ओ हुजूर चॉकलेट। ओ लगता है आप शहर में नए नए आए हो। हाँ मैं नया आया हूँ। ओ तो फिर बोलो, दो चार चॉकलेट खिलाऊं, मुंह मीठा कराऊं? नहीं कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये इतना खामोश क्यों है? ओ बाबूजी दरअसल बात यह है कि इसका एक भाई है जो काबुल में रहता है, जिसे ये छोड़कर आया हुआ है, उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है, उसी की बड़ी याद आती रहती है इसे। हाँ मेरा भी एक भाई है जिसका सपना था मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, लेकिन पता नहीं वो दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गया। ओ हाँ मिल गया बाबूजी। कितने पीछे खड़े हैं, चलना। साहब जी तो हम जा रहे हैं। इन्हें जाने दो। ओ सत श्री अकाल जी।
चलो इसका पीछा करो। डैड, डैड, मेरी तो आंख फड़फड़ा रही है। कौन सी नई बात है? तू सारी जिंदगी से कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाता रहता है। अरे कहीं वो पठान और सरदार हमारा माल लेके गायब हो गए तो? रामपुर मनुष्य बात करेगा तो छापड़ मारूंगा मुंह फिर जाके तेरा। कुत्ता गधा नालायक गुलशन करोगे की औलाद। डैड देखो हमारा माल आ गया। वो लोग कितने ईमानदार है, अब खाना खा उन पे शक कर रहे थे। पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो, हमारा माल हिफाजत से आ गया, मुबारक हो। ओए मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा लाले। क्यों? उतारो अपना माल, भरो अपना गोदाम और दो आप उनका दाम। अभी लो अपना बजरंगी नहीं छेरंगी, अभी क्या नाम है तेरा? डैड जिमी। हाँ भाई बहुत सारे रंग है, इनको 1000 रुपए दो। श्योर डैड। अरे चमचे लोग सारा माल उतारो और चेक करो। क्या कहा? चेक करेगा? पठान का ईमान पर शक करेगा? नहीं 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 शक नहीं करता। असल में क्या है, जमाना बहुत खराब है आजकल। जो है बाप अपने बेटे भरोसा नहीं करता, बेटा अपने बाप पे भरोसा नहीं करता, इसलिए चेक करके दो और चेक करके लो। साहब ये तो असली चॉकलेट है, हमारा तो सारा माल गायब है। ए पठान, हरिद्वारी के साथ चालाकी करता है, बता मेरा माल किधर है। अरे कौन सी माल की बात करता है लाला, जो तुम दिया वो हम लाया। सीधे बता मेरा माल किधर है। ये ऐसे नहीं मानेगा डैड। बोल तेरा दूसरा पार्टनर किधर है, बोल तेरा दूसरा पार्टनर किधर है। डैड आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? पीछे तेरा बाप खड़ा हुआ है। मेरा बाप कोई और है? असली वाला। असली इत्थे है बादशाह। पठान सदा जीदा प्रा होता है, दोनों भाई भाई होते हैं और भाई अपने भाई के लिए जान कुर्बान कर सकता है। ओ लंगूर पैर से तमंचा। पुलिस, क्या बात है, ये सब क्या चक्कर है? ये ट्रक तुम ड्राइव करके लाए हो? ओ बाबूजी हमने इनके कहने पर इस ट्रक में चॉकलेट लाया है। अब ये लोग बिस्किट मांग रहे, बिस्किट कहां से लाऊं भाई? बिस्किट? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने इनको बिस्किट लाने के लिए कहा था, ये लोग गलती से चॉकलेट उठा के। हाँ तो निकालो हमारी मजदूरी। चिंपांजी नहीं, क्या नाम है तेरा यार, पैसे दे देना। रंग बिरंगी लंगूर, देखा सरदार जी के साथ मजाक करने का नतीजा तेरी भैन नू। ओए चल ओए पतली गली। तू हैंड्स अप। ओ क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, हरिद्वारी लाल के आंखों में तो तुमने धूल झोंक दी देवा। अब अपने हाथों में हथकड़ी पहनने को तैयार हो जाओ। ओ लेकिन मेरा जुर्म क्या है जनाब? सोने से भरा हुआ ट्रक जो तुम्हारे आदमियों ने एक्सचेंज किया था उसे हमने पकड़ लिया है और उसी जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। ओ फिकर ना करो और जिक्र ना करो इंस्पेक्टर साहब। क्या मतलब? ओ मतलब ये कि आप आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो जनाब, देवा भी आपकी आंखों के सामने धुआं बनकर उड़ जाएगा। चौवन्नी अट्ठन्नी तो क्या, अरे कोई 10 पैसा फेंकने के लिए तैयार नहीं है। ये पब्लिक मेरा बेसुरा आवाज सुनने के लिए आई है या तेरा थिरकता हुआ नाच देखने आई है? चलो तेर को बोला ना मैं नहीं नाचेगी। मालूम है क्यों नहीं नाचा जाता, राजा जो गायब हो गए हैं, न राजा आएगा न रानी नाचेगी, चाहे हम सब क्यों भूखे नहीं मरे। अरे चलो हटो हटो, चलो बाहर निकलो बाहर निकलो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। क्या बात है मोहन? रानी इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम छिपा हुआ है, मैं कहता हूँ बाहर निकलो वरना ये गोली चल जाएगी। सीधे तरीके से अपने आप को कानून के हवाले कर दो। राजा मैं जानती हूँ तू राजा है, क्योंकि सिवाय राजा के ये खेल और कोई नहीं खेल सकता। रानी जाने दो मुझे। राजा अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो,
और तुम्हारी सारी दौलत मिलकर भी ना तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकती और ना ही कानून की गिरफ्त से तुम्हें बचा सकती। अब अगर कोई भी चीज तुम्हें कानून की सख्ती से बचा सकती है तो वो है तुम्हारी सच्ची गवाही। इसलिए कानून से ज्यादा आंख में चोली मत खेलो मेरे भाई, और सीधे सीधे बता दो कि देवा कौन है और कहां है। देख मोहन, मैं तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूं, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है ना, इसलिए जिस केस में तू अपना हाथ डाल रहा है ना उसमें तेरी जान भी जा सकती है। इसलिए मेरे भाई तू ये फुकट के लफड़े में मत पड़। अगर तुम कानून को लगातार धोखा देते रहे तो मजबूरन मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। इसे कहते हैं ईमानदार अफसर। कानून की आंखें नहीं होती हैं, फर्ज के गुस्से से रिश्ते की भी पिटाई कर देता है। अरे अगर भाई के सर से पांव तक चमड़ी भी निकल जाए ना, मगर वर्दी को आंच नहीं आनी चाहिए। अगर तू घबरा मत मेरे भाई, फर्ज के लिए अगर तुझे मुझे भी मारना पड़े ना तो शर्मिंदा मत होना, फक्र से मारना मुझे। अरे अरे यही तो मेरी बरसों की तमन्ना है, इसी दिन के लिए तो मैं जी रहा हूं मोहन। देख भाई, मुझे बातों में मत उलझा, असलियत बता दे कि देवा कौन है। भाई मेरे बता दे देवा कहां है, भाई बता दे देवा कहां है, भाई बता दे देवा कहां है। डीएसपी साहब ने कहा है कि इसकी जमानत हो चुकी है, इसे छोड़ दो। नहीं मेरे भाई, नहीं। जानता है आज तूने मेरा सर फक्र से उठा दिया है। भगवान करे तू बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत तरक्की करे मेरे भाई, बहुत तरक्की करे।